What's up my lovely friends, hope you are doing fantastic today. So guys, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन को आंसर करने जा रहा हूँ जो मेरे से बहुत बार पूछा जाता है. वो ये कि भैया, अगर आपको अपना जो वीडियो का आउटपुट है वो आपको अगर फुल HD में ही निकालना होता है तो आप 4K रेजोल्यूशन में क्यों शूट करते हो, आप फुल HD में क्यों नहीं शूट कर लेते हो. तो गाइज, इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे फ़ायदे हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 4K वीडियो को शूट करके HD में आउटपुट निकालने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं. अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं, और आई एम श्योर आपको होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो. ओके गाइस, तो हम लोग सबसे पहले फ़ायदे से स्टार्ट करते हैं 4K का, और वो है ऑब्वियसली रेजोल्यूशन. तो यहाँ पे मेरे पास दो मोबाइल की क्लिप्स हैं और आप देख सकते हैं कि एक फुल HD है और एक 4K है. वैसे ये देखने में दोनों नॉर्मल लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें जूम करूँगा आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस में ज़्यादा डिटेल है. और दोस्तों, जब हमारे पास इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है तब फिर हम किसी इंस्टाग्राम वाले फ्रेम की वीडियो को भी यूट्यूब वाले फ्रेम की वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं. और दोस्तों, अगर आपके पास जूम लेंस नहीं है और आप जूम करने की इच्छा रखते हैं तो भी आप 4K की मदद से अपनी क्लिप पे जूम कर सकते हैं बिना किसी क्वालिटी लॉस के. और दोस्तों, खेल यहीं पे ख़त्म नहीं होता. अगर आप 4K पे शूट करते हैं तो आप पैनिंग और टिल्टिंग भी एडिटिंग के टाइम पे ऐड कर सकते हैं अपने वीडियोज़ में, क्योंकि 4K में हमको बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलता है, बहुत ज़्यादा एरिया होता है खेलने के लिए हमारे पास. इसके अलावा कई बार हिली हुई क्लिप्स होती है जिनको हम एडिटिंग के टाइम पे स्टेबलाइज करते हैं. अब अगर आपने वो फुल HD में शूट किया है तो अगर आप उसको स्टेबलाइज करेंगे तो थोड़ा सा क्लिप में क्रॉप होता है जिसकी वजह से रेजोल्यूशन का लॉस होता है. लेकिन अगर आपने वहीं पे 4K में शूट करा है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4K में ऑलरेडी आपके पास HD का 4 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन होता है. ओके गाइस, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 4K भी शूट करने के कितने फ़ायदे हो सकते हैं, स्पेशली जब आपको अपना आउटपुट फुल HD में लेना हो. अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं बहुत ही जल्दी उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा. साथ ही साथ आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं और मैं वहाँ पर अगर आप मेरे को DM के थ्रू सवाल पूछोगे तो मैं DM के थ्रू रिप्लाई करूँगा. ओके, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप मेरी आज की वीडियो देख के बहुत ही प्रसन्न हुए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और उस बेल आइकन को भी दबा लेना यार. चलो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ. टिल द टाइम यू गाइस हैव फन, एंजॉय, एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय, जय हिंद.